बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, बीच बीच में बिजली भी कड़क रही थी। नीतू सोनू को थपकी देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। 2.5 वर्ष का सोनू भी माँ से चिपक कर सोने की कोशिश कर रहा था। बिजली और तूफान से नीतू का मन भीतर ही भीतर कांप रहा था। राजीव अभी ऑफिस से घर नहीं आए थे। नीतू सोचने लगी, कहीं ऐसे मौसम में उसे अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो वह क्या करेगी। बरसात के मौसम में इस पहाड़ी जगह पर हॉस्पिटल जाने का साधन भी तो उपलब्ध नहीं था। प्रसव पीड़ा में 2 किलोमीटर दूर बारिश में रात के समय पैदल चलने की सोचकर ही नीतू परेशान भी हो उठी। उसने उठकर पानी पिया और खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। मूसलाधार बारिश, वह कोहरे में खड़े पेड़ भूत जैसे दिख रहे थे। हड़बड़ाकर नीतू ने खिड़की बंद कर दी और सोनू से सटकर राजीव का इंतजार करने लगी। 11 बजे रात, राजीव की आवाज़ सुनकर नीतू की जान में जान आई। राजीव की परेशानी जानने की बजाय वह उस पर बरस पड़ी। कहाँ लगा दी इतनी देर, कितनी घबरा गई थी मैं, डॉक्टर ने डिलीवरी की तारीख इसी हफ्ते की दी है, ऐसे मौके पर तो कम से कम समय से घर आ जाना चाहिए था। नीतू की हालत पर राजीव को तरस आ रहा था। बिना कोई तर्क दिए गलती स्वीकार करते हुए राजीव बोले, ठीक है बाबा, माफ़ कर दो, अब ऐसी भूल नहीं होगी। बिस्तर पर लेटे हुए राजीव को नीतू की चिंता होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अकेले क्या करे। बिना प्रसव पीड़ा के अभी से नीतू को हॉस्पिटल में भर्ती भी तो नहीं कराया जा सकता। पता नहीं डिलीवरी में अभी कितने दिन लगे, और फिर सोनू और उसे देखने के लिए भी तो घर पर एक व्यक्ति चाहिए। ऐसे समय में राजीव को माँ बाबूजी का अभाव बहुत अखर रहा था। आज की परिस्थिति के लिए भगवान को धन्यवाद देकर वह सोने की कोशिश करने लगा। नींद उसकी आंखों से आज कोसों दूर थी। सोनू अपने ननिहाल में पैदा हुआ था, तब राजीव को पिता बनने में होने वाली परिस्थितियों का अनुभव नहीं था। इस बार भी नीतू डिलीवरी के लिए मायके जाने वाली थी, तभी अचानक बिन बुलाई मुसीबत के कारण नीतू को अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बदलना पड़ा। नीतू की बड़ी बहन गीता एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गई थी। नीतू के मम्मी पापा उसी की देखभाल के लिए फौरन लखनऊ चले गए। मायके में अब छोटे भाई के अलावा कोई न था, इसलिए राजीव ने अपनी जिम्मेदारी खुद निभाने का फैसला कर लिया था। सुबह नीतू की आँख देर से खुली, आज मौसम भी साफ था। काम निपटा कर नीतू जो ही सुस्ताने के लिए कमरे में जाने लगी, बाहर राजीव की दीदी सुनीता को देखकर चौंक गई। दीदी आप अचानक यहाँ, घर पर सब ठीक तो है? सब ठीक है, तुम्हारे कारण यहाँ आना पड़ा। तुम लोग तो कुछ बताते नहीं हो, दूसरों से सुनकर दुख तो होता है पर क्या करूँ, मन नहीं माना। चिंता हो रही थी कि राजीव यह सब अकेले कैसे संभालेगा, कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी, आखिर रिश्ते नाते किस लिए होते हैं, दीदी कमरे में प्रवेश करते हुए बोली। नीतू दीदी के पैर छूते हुए सफाई देने लगी। ऐसी बात नहीं थी, दरअसल गीता दीदी के एक्सीडेंट के कारण लखनऊ चली गई, इसी से हालात बदल गए। ऐसी परिस्थिति में आपका तो मुझे ध्यान ही नहीं आया। नीतू जानती थी कि झूठ बोलकर वह दीदी को बहलाने का प्रयास कर रही थी। निसंतान सुनीता दीदी को ऐसे मौके पर बुलाकर वह उनके दिल की कसक को बढ़ाना नहीं चाहती थी। यह उनका बरपन था कि ऐसे विषम परिस्थिति में वे खुद ही भाई की मदद के लिए आ गई थी। आते ही दीदी घर के काम में जुट गई। हर तरह से संपन्न दीदी के जीवन में बस संतान का ही अभाव था, और औलाद दीदी की कमजोरी थी। 2 बार अपनी बिरादरी से बच्चा गोद लेने का असफल प्रयास कर चुकी थी। 1 वर्ष तक अपनी छोटी बहन आभा के छोटे बेटे को अपने साथ रखने के बाद संतान की चाह दीदी के अंदर बहुत अधिक बढ़ गई थी। यह दीदी का दुर्भाग्य ही था कि गोद लेने की कानूनी कार्यवाही पर आभा दीदी अपने बेटे को नाटकीय तरीके से वापस ले आई थी। इस घटना से दीदी का रहा सहा धैर्य भी टूट गया था, लेकिन अपनों के प्रति कड़वाहट को भुलाकर वह ठीक समय पर भाई के पास इतनी दूर से पहुंच गई थी। अगले दिन हल्के दर्द की शुरुआत होते ही नीतू हॉस्पिटल चली गई। बिना अधिक दर्द के शाम को उसने सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। दीदी के रहने से राजीव को कोई परेशानी नहीं हुई। 24 घंटे में ही नवजात शिशु के साथ नीतू खुशी खुशी घर आ गई। दीदी ने नीतू और नवजात शिशु की बहुत सेवा की। बच्चे की सारी जिम्मेदारी दीदी ने ऐसे निभाई जैसे उन्हें बच्चे की देखरेख का बहुत अनुभव हो। दीदी को बच्चे के साथ देखकर नीतू सोचने लगी, काश दीदी की गोद भी संतान से भर जाती। 2 हफ्ते तक घर और नीतू की पूरी देखभाल करके दीदी वापस जाते हुए बोली, नीतू ईश्वर की दया से सब कुछ ठीक हो गया, अब तुम अपनी देखभाल खुद भी कर सकती हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीतू दीदी को कुछ दिन और रोकना चाहती थी पर बोली कुछ नहीं, वह जानती थी दीदी यहाँ और रुकेंगी तो बच्चे का मुंह उन्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। बात का रुख मोड़कर नीतू बोली, दीदी बच्चे को
अपनी पसंद का कोई नाम तो दे दीजिए, मेरी पसंद के नाम का क्या करोगी, नाम रखने का हक तो भगवान ने मुझे दिया ही नहीं, दीदी बूझे स्वर में बोली। आप कोई बच्चा गोद ले लीजिए ना, आपके जीवन में संतान की कमी पूरी हो जाएगी। किसका बच्चा गोद ले, किसी अनजान व्यक्ति का न बवाना, यह मुझसे न होगा। और अपनों के हाल तो तुम देख ही चुकी हो, दीदी मन की करवाहट को हंसकर उगलते हुए बोली। दीदी को अच्छे मूड में देखकर नीतू की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। वह बोली, दीदी एक बार फिर कोशिश कीजिए, शायद बात बन जाए। दीदी एकाएक गंभीर हो गई, कुछ सोचकर बोली, ठीक है कहो, तुम मुझे बच्चे को गोद दे सकती हो? नीतू को दीदी से ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी, उसका सिर चकरा गया। नीतू ने एक नज़र बच्चे पर और दूसरी दीदी पर डाली और सिर झुका लिया। एक गहरी सांस लेकर दीदी ने नीतू को अपराध बोध से उबारते हुए कहा, सलाह सब देते हैं, हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता, सब अपने अपने नसीब की बात है। दीदी के शब्द नीतू के मानस पटल पर बड़ी देर तक गूंजते रहे। उनकी खातिर वह तीसरे बच्चे को जन्म देकर दीदी को दे सकती थी, पर ये बच्चा नहीं, यह नहीं हो सकता। बच्चे को अपने से अलग करने के लिए नीतू मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। दिमाग से दीदी की बात को हटाने के लिए उसने बच्चे के गालों पर चुंबन की झड़ी लगा दी। दीदी के चले जाने के कुछ दिन बाद दीदी की कही बात का जिक्र नीतू ने राजीव से किया। राजीव चौंक गए, तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नीतू सफाई देते हुए बोली, बात तो दीदी ने साधारण ढंग से कही थी, गंभीर होकर नहीं, इसलिए मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। राजीव कुछ सोचकर बोले, दीदी के मन में संतान की चाह बहुत गहरे भीतर तक जड़े जमा चुकी है, नहीं तो वह अपने भाई की दूसरी संतान को गोद लेने की बात कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी। राजीव को गंभीर देखकर नीतू बोली, आप चिंता न कीजिए, यदि वह फिर कभी इस बात का जिक्र करेंगी तो तीसरा बच्चा पैदा करके उन्हें ही सौंप देंगे, तीसरे तक तो बहुत देर हो जाएगी। नीतू दीदी अब इतना सब न कर सकेंगी, इससे पहले कि वह कोई ऐसा वैसा कदम उठाए, हमें दूसरे बच्चे को ही गोद देने के बारे में सोचना होगा, राजीव ने कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी ममता का गला नहीं घोंट सकती, नीतू तमककर बोली। तुम्हारे पास तो ममता लुटाने के लिए सोनू है, वह अभी छोटा ही तो है, जरा सोचो दीदी पर क्या गुजरती होगी। दीदी हमसे बाहर तो नहीं है, आखिर दूसरा बेटा रहेगा तो अपनों के पास ही। आभा दीदी के बर्ताव से रिश्तों के प्रति उनके मन में जो करवाहट भर गई है वह दूर हो जाएगी और वे सामान्य होकर जी सकेंगी, राजीव ने नीतू को समझाया। दीदी में कोई असामान्य बात मुझे तो नज़र नहीं आई, वे तो बिल्कुल ठीक हैं। नीतू भी किसी तरह इस मुद्दे पर हार मानने वाली न थी। बहस में न पड़ कर राजीव चुप हो गए और खुद को छोटे बेटे को दीदी को गोद देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने लगे। दीदी के लिए राजीव को चिंतित देखकर नीतू सोचने लगी, दीदी ने ठीक समय पर आकर परिवार की जो जिम्मेदारी निभाई वह तारीफ के योग्य थी। नीतू यदि बच्चा गोद लेने के लिए दीदी को न उकसाती तो वह छोटे बेटे का जिक्र कभी न करती। दीदी का दुख नीतू भी महसूस कर रही थी। मन पक्का करके नीतू भी दीदी के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो गई। दीदी को फोन से खबर दे दीजिए, दीदी को इतनी बड़ी खुशी फोन से नहीं, खुद जाकर देंगे। 10 दिन बाद दिवाली है, दिवाली के इतने नायाब तोहफे की दीदी कभी कल्पना भी नहीं कर सकेंगी, राजीव खुश होकर बोले। दीदी की खुशी की कल्पना से ही नीतू रोमांचित हो गई। तभी उसकी नज़र छोटे बेटे पर पड़ी, मन कहीं अंदर तक कांप गया। उसने उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। दिवाली पर अचानक राजीव नीतू को दोनों बच्चों के साथ अपने घर बिना बताए आया देख दीदी चौंक गई। दीदी ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राजीव ने महसूस किया कि दीदी आज बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी, घर भी बहुत व्यवस्थित लग रहा था। इधर उधर देखकर राजीव ने पूछा, दीदी जीजाजी नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? शादी में गए हैं, दीदी चहककर बोली। किसकी शादी में गए हैं? राजीव ने प्रश्न किया। अपनी, मजाक छोड़ो दीदी, सच बताओ, मुझे उनसे ज़रूरी काम है, राजीव अकचका कर बोला। सच, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वे अपने लिए दुल्हन लाने गए हैं, शाम तक आ जाएंगे, कुल 4-5 लोग ही गए हैं इस शादी विवाह में, दीदी बोली। सुनकर राजीव सन रह गए, अपने को बड़ी मुश्किल से संतुलित करके बोले, आपने पहले बताया क्यों नहीं? किसी से राय भी नहीं ली, कम से कम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार पूछ तो लिया होता, मैं तुम्हारा भाई था दीदी, दुश्मन नहीं, हर तरफ से हार कर अब क्या पूछना था, औलाद की चाह पूरी करने का यह भी एक रास्ता है। यह बात बहुत देर से मेरी समझ में आई, आखिर
अपना खून अपना ही होता है, कमी मुझ में थी तुम्हारे जीजाजी में नहीं, कहकर दीदी चुप हो गई। आखिर वही हुआ जिसका राजीव को डर था। राजीव हताश होकर बोले, अपने अधिकारों को बांट पाओगी जीजाजी की दूसरी पत्नी के साथ? यह काम इतना आसान नहीं है, आखिर तुम्हारे भविष्य का प्रश्न है। कितने अरमानों के साथ आए थे राजीव और नीतू दीदी के पास। दीदी की खुशी के लिए वे अपने जिगर के टुकड़े, मासूम छोटे बेटे को अपने से दूर करने के लिए तैयार हो गए थे। दीदी के एक अविवेकपूर्ण निर्णय ने उनकी खुशियों और त्याग पर पानी फेर दिया। नीतू का दिल अंदर से छटपटा रहा था। उसने अपने निर्णय के बारे में दीदी को बताने के लिए मुँह खोला ही था। दीदी हम तो छोटे को, राजीव ने नीतू को तुरंत रोक कर बात का रुख मोड़ते हुए कहा, हम तो छोटे बेटे को लेकर पहली बार घर से निकले हैं, सोचा सबसे पहले आपका आशीर्वाद ले ले। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही यह घर भी बच्चों की किलकारियों में गूंजने लगेगा। दीदी आने वाले कल की खुशियों की कल्पना में डूबते हुए बोली। शाम होने लगी थी, दीदी नई दुल्हन के आने की तैयारी करने लगी। राजीव के लिए अब और ठहरना मुश्किल हो रहा था। भविष्य की समस्याओं से अनजान संतान की खातिर दीदी ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। अच्छा अब चलते हैं, फिर कभी आऊँगा, कहकर राजीव ने सूटकेस उठा लिया। नीतू छोटे बेटे को गोद में लिए सोनू के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी। दीदी ने रोकना चाहा पर राजीव रुके नहीं, भारी कदमों से चलते। राजीव अपने को ही दोषी मान रहे थे, काश उन्होंने निर्णय लेने में देर न की होती तो आज दीदी का घर बर्बाद होने से बच जाता। दोस्तों आपकी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।